नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। दंगल फेम एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने पहली दफा खुद के निजी जीवन से जुड़ी एक बीमारी का जिक्र किया है। सोशल मीडिया पर फातिमा सना शेख ने इससे जुड़ी जानकारी शेयर की है। फातिमा ने खुलासा किया कि वह मिर्गी जैसी बीमारी से पीड़ित है। वह इसका हिम्मत से हर दिन का सामना कर रही है। फातिमा इसके लिए दवाई और ध्यान का सहारा लेकर रही है ताकि वह जल्द से जल्द बीमारी से निजात पा सके। इंस्टाग्राम पर फातिमा ने एपिलेप्सी से जुड़े कई सारे सवालों पर अपना जवाब दिया। फातिमा ने इस संबंध में कहा कि मुझे थोड़ा धीमे चलना पड़ता है, लेकिन मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कई बार मुश्किल दिन होते हैं जो मुझे और भी धीमा कर देते हैं, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि उन लोगों के साथ काम कर पा रही हूँ जिनके साथ मेरी काम करने की इच्छा है। इस बीमारी ने मेरा पैशन कभी कम नहीं किया। मैं कभी अपना मेरा बेस्ट करने से खुद को रोका है। वही कहती है कि इसने मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए पुश किया है। क्या मिर्गी बीमारी के लिए जूता सूंघने के लिए मजबूर होना पड़ता है? इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि प्लीज ऐसा मत करना, ये मिथ है। इस बीमारी से बाहर निकलना इतना भयानक है। लोगों ने मेरे साथ बदबूदार जूता सूंघने वाला काम किया, वह भयावह था। फातिमा ने इस बीमारी से बाहर आने के लिए वर्कआउट करने की जानकारी दी है। फातिमा ने सलाह दी कि डॉक्टर की लिखी हुई दवा ही लेनी चाहिए। एक यूजर ने फातिमा से मिर्गी का नाम भी पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने नहीं बताया। फातिमा ने एक और सवाल के जवाब में ये भी कहा कि दंगल फिल्म की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इस बीमारी के बारे में पहली बार पता चला था। फातिमा ने कहा कि मैं सेट पर बेहोश हो गई थी। जब मेरी नींद खुली तो मैं अस्पताल में थी। शुरुआत में मेरे लिए अपनाना मुश्किल था कि मिर्गी जैसी बीमारी से पीड़ित हूँ। फिर मैंने इसके साथ जीना सीख लिया। मैं लगातार एक्सरसाइज और दवाई के जरिए इस बीमारी को ठीक करने लगी हूँ।